पीएनबी फ्रॉड के खुलासे के बाद अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों पर सख्ती दिखाई है। मिनिस्ट्री ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए 50 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जांच 15 दिन में कर ली जाए, साथ ही इसकी जानकारी भी सीबीआई को समय पर दी जाए। बता दें कि 12,672 करोड़ के पीएनबी घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मुख्य आरोपी हैं और ये दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मेहुल की ओर से की गई धोखाधड़ी में 1323 करोड़ रुपए का एक और घोटाला पकड़ा है और अब घोटाले की कुल रकम 12,717 करोड़ रुपए हो गई है। फॉर वेब डेस्क न्यूज इंडिया।